जय हिंद पेंशन भोगियों, वन रैंक वन पेंशन की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। सभी भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। चाहे नायक हो, सिपाही हो, हवलदार हो, चाहे सूबेदार हो, सभी रैंक वाइज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट डिटेल। साथ ही में बताएंगे आप सभी को 6 अप्रैल की एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। जी हाँ, ये किस चीज का मेमोरेंडम है? तो ग्रांट का, जो आपका DADR की 4% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि आपको मार्च की पेंशन में नहीं देखने को मिला और ये आपको अप्रैल की पेंशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आपके पास पूरा लेटर निकल के आ गया है 6 अप्रैल 2023 का, जिसमें ग्रांट ऑफ डियरनेस रिलीफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉई या फिर फैमिली पेंशनर और जितने भी हमारे तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉई है, चाहे रेलवे पेंशनर, सबके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज। साथ ही में वन रैंक वन पेंशन पे सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे एक न्यूज निकल के आई है। ये 4 अप्रैल की न्यूज है, जो कि यहां पे बड़ा खुलासा हुआ है। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो वन रैंक वन पेंशन ORP 2 का 90% जो फंड है वो भूतपूर्व सैनिकों में कमीशन ऑफिसर ले रहे हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे इस लाइन को, मैं पूरा भी पढ़ के सुनाऊंगा। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में पहली बार आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ही ईजी है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है। देखिए वन रैंक वन पेंशन का 4 अप्रैल को है। इसमें एक हमारे रिटायर्ड, सबसे पहले बता दें, एक हमारे रिटायर्ड जवान जिन्होंने, जिनका नाम है कैप्टन जगदीश वर्मा जी, ने बहुत ही अच्छी बात कही है और बहुत ही सटीक और सही बात कही है। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप इस बात से सहमत है। वन रैंक वन पेंशन स्कीम विल ओनली बेनिफिट द मेजोरिटी ऑफ रिटायर्ड कमीशन ऑफिसर। जी हाँ, यहाँ पर रिटायर्ड कमीशन ऑफिसर एंड एक्सर्विसमैन बिलो द रैंक ऑफ मेजर वुड गेट मिरेज बेनिफिट। इसका मतलब बहुत ही कम बेनिफिट उनको मिल रहा है। और बता दें आगे, दिस वॉज रिसेंटली स्टेट बाय, मतलब ये इनने स्टेट दिया है, जो इन जगदीश वर्मा जी ने, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये पूरी निकल के आ रही है। तो आप लोगों को बता दें ये एक न्यूज थी। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट में 6 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हुई। अभी अगली तारीख किसी को नहीं पता कब होगी, या ये 9 से 10 में तक तो नहीं होगी, आगे जो भी डेट आएगी हम आपको बता देंगे। ये इंडियन एक्सोरिस्ट मूवमेंट के द्वारा डाला गया है, जिनके चेयरमैन मेजर सतवीर साहब है और अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं है। एक पेंशनर को, काफी पेंशनर को ये मैसेज आ रहा है वन रैंक वन पेंशन ORP 2 का, जिसमें मैं बता दें कि आपको जो आपको एनोमली सी डिस्क्रिपेंसीज थी काफी, जैसे कि किसी को ORP 1 का 2 मिलना चाहिए, 1 मिल गया, कोई 15 साल सर्विस कराया, 17 साल सर्विस कराया, उसको 2 साल कम मिल रहा है, किन्हीं को डिसेबिलिटी पेंशन मिलना है तो किसी और को कुछ, मतलब जो भी गड़बड़ हो रही है उसके लिए यहाँ पे एक हमारे स्पर्श टीम की तरफ से आप देख रहे हैं पेंशनर को मैसेज आ रहा है। तो आप घबराएं ना, इसमें आप अपना देख सकते हैं, आप पढ़ेंगे तो इसमें सब पूरा समझ में आ जाएगा। रेक्टिफाई के लिए ये आपको भेजा जा रहा है। तो आप लोग के लिए सारी न्यूज निकल के आई थी। सभी पेंशन धारक व पेंशन होगी भूतपूर्व सैनिक हमारे जितने भी हैं उनके लिए आज तमाम न्यूज निकल के आई है। और एक चीज बता दें, आप लोग घबराएं ना, आपको अप्रैल में जनवरी फरवरी मार्च तीनों का एरियर के साथ आपका DA क्रेडिट हो जाएगा। जय हिंद जय भारत।